हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी, जिसका नाम है किसलय। तो हम लोग किसलय का चैप्टर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है तू जिंदा है तो, जिनके लेखक हैं शंकर शैलेंद्र। तो हम लोग इस चैप्टर का यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे इसका पूरा व्याख्या देखेंगे। इस व्याख्या में हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ाया गया और इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा। तो आप सभी बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। साथ में ये भी आपको बता दें कि क्लास 8 से रिलेटेड, 9 से रिलेटेड और 10 से रिलेटेड और भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, वहां पे जाकर के और भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अगर पूर्ण रूप से समझें तो इस चैप्टर में जो लिखा गया है वो एक कविता लिखा गया है, जो हम लोगों के जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती है। यानी हम लोगों के जीवन में क्या क्या उत्साह भरे पल हैं, क्या क्या उत्साह भरे समय हैं, इन चीजों को इसमें समझाया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि जो हम लोगों के अतीत में, यानी अतीत कहें तो बीते हुए समय में जो दुखदाई पल रहे हैं, जो दुखदाई समय रहे हैं, उनको आपको भूल जाना है और नई दुनिया का स्वागत करने के लिए, जो आप अगले भविष्य की बात करते हैं उसको स्वागत करने के लिए इस कहानी, इस चैप्टर में यानी इस कविता में लिखा गया है। और आपको प्रेरणा के लिए इस कविता को पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट पंक्ति में जो लिखा गया है वो लिखा गया है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए कितना बड़ा ये प्रेरणा देता है। कहता है कि हे मनुष्य या हे प्राणी, यदि तुम जिंदा हो, यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी में जीत होगी, यदि तुम जिंदा हो तभी जिंदगी में जीत होगी, ये तुमको यकीन करना है, ये तुमको विश्वास रखना है। अगर कहीं है स्वर्ग, कहने का मतलब यदि तुमको ऐसा लगता है कि इस जमीन पर, इस धरा पे स्वर्ग नहीं है, तो अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उसको तुम उतार ला जमीन पर, यानी अपने कर्म से, अपने भाव से उस स्वर्ग को तुम अपने जमीन पर, यानी तुम जहां रह रहे हो वहां पर उसको ले आओ। तो ये फर्स्ट पंक्ति था जिसको हमने हिंदी में अच्छे से व्याख्या करके आपको समझाया। चलते हैं इसके पॉइंट नंबर टू पे। पॉइंट नंबर टू में कहा है, एक गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो, ठीक है ना, तो जिंदा है तो उतार ला जमीन पर। इसका मतलब समझिए, कहता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे गम, यानी गम कहने का मतलब दुख भरा दिन था, वो चार दिन था। सितम के चार दिन कहने का मतलब जो तुम्हें कष्ट मिला, जो अत्याचार मिला, उसके भी चार दिन, यानी चार दिन कहने का मतलब कुछ ही समय था, वो भी आपका गुजर गया। आज के दिन भी यदि तुम दुख में है, आज के दिन भी यदि तुम दुख में है तो वो भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजार दिन बीत चुके हैं, क्योंकि दुख के हजार दिन बीत चुके हैं। आगे कहता है कि इसी जिंदगी में, इसी जिंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएंगी, यानी यदि तुम जिंदा हो तो इसी जिंदगी में कभी न कभी तो बाहर आएंगी, तुम अपने कर्म को, यानी जो अच्छे कर्म है, सुकर्म है, तुम उस कर्म को, जो स्वर्ग तुमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे नहीं है, तो तुम उस स्वर्ग को पृथ्वी पे ला सकते हो, यदि तुम जिंदा है तो जिंदगी में जीत अवश्य होगी, ये तुम
विश्वास रखो। तो ये इस पंक्ति का अर्थ था। चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पे। नेक्स्ट पंक्ति में कहा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर। इसका मतलब कहता है, इसका मतलब समझिए। अब एक एक लाइन हम आपको समझाते हैं तो अच्छा रहेगा। कहता है कि सुबह और शाम, ठीक है ना, सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम लो। गगन को चूम लो कहने का मतलब उसको आप क्या करो, जिस तरह से किस करते हो ना उसी तरीके से उसको चूम लो। और जमीन पर देखो आगे कहता है, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और कहता है कि उसको तुम चूम लो और ये भी देखो कि जो जमीन है वो कब से गा रही है, यानी क्या गा रही है, गीत गा रही है। और वो गीत कैसे गा रही है, तो झूम झूम कर वो गीत गा रही है। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। यानी पृथ्वी कहती है, धरती कहती है कि तू आ, यानी वो गीत गाकर कहती है कि तू जल्द से जल्द आ और मेरा सिंगार कर। तू मुझे कुरूप से मुझे हसीन बना, मुझे खूबसूरत बना। ये कौन कहता है, पृथ्वी कहती है, धरती कहती है, भारत माता कहती है। आगे चले तो कहता है, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो उतार ला जमीन पर। यानी किसको जमीन पर लेके आ, स्वर्ग को। अगर कहीं है स्वर्ग, यानी तुमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे स्वर्ग नहीं है, कहीं और स्वर्ग है, तो तुम उस स्वर्ग को ले आ जमीन पर। और तू यदि जिंदा है तो तुम्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, ये तुम विश्वास रख। तो इस तरीके से इसका भी हमने अर्थ व्याख्या कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहता है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो मृत्यु है, ठीक है ना, तुम्हारे पास जो मृत्यु है, जो दुख है, वो कई रूप धर करके आए हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना, कई बार तुम्हारे पास आए हैं। आगे कहता है, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। यानी लेकिन वो तुमसे जीत नहीं पाई, वो तुमसे आगे नहीं बढ़ पाई और वो हमेशा के लिए हार कर चली गई। आगे कहता है, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। यानी हमेशा जब नई नई सुबह आई, कहने का मतलब जैसे ही तुम्हारा दुख टल गया और सेकंड मतलब जिस दिन टला उसके बाद जो आया, उस दिन तुमको नया उम्र मिला। और नई उम्र कब मिला, नए सुबह के साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो, ठीक है ना, तू जिंदा है तो, इसका मतलब समझो। तो कहता है कि जैसे ही मौत था, वो हजार भेष धरकर तुम्हारे द्वार पर तो आया ही, लेकिन वो सभी से हार कर चले गए। नई सुबह प्रतिदिन आता है और तुझे नई उम्र प्रदान करती है। यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ले आओ। तुम जिंदा है तो जिंदगी में सफलताएं अवश्य मिलेगी, ऐसा तुम विश्वास रखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका भी हम लोग देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है। इसका मतलब समझो। तो ये कहता है कि हमारे जो काफिला है, काफिला के मतलब हम लोगों का जनसमूह, यानी जनसमूह कहने का मतलब हम लोगों के द्वारा जो भीड़ भाड़ होता है, ठीक है ना। तो वही कहता है कि हमारे काफिला या हमारे मनुष्य का जो समुदाय है, उसको मंजिल का इंतजार है। किसका इंतजार है, मंजिल। मंजिल कहें तो लक्ष्य, हम लोग का एक लक्ष्य होता है ना कि हम लोग अपने एग्जाम में इतना स्कोर करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हर लोगों का लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य का हम लोग इंतजार करते हैं। आगे कहता है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। जो आंधियों, आंधियों कहने का मतलब जो अंधर भरी धूल भरी जो हवा चलती है ना, उस तरीके से बिजलियों यानी दुख ही दुख के पीठ पर वो सवार है। आंधी में आप देखते हैं ना, अपने आप को बचा नहीं पाते, अपने आप को आंधी में बहते हुए पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो दुख का समय था और वो दुख पर सवार होकर
आया है, आगे बढ़े तो कहता है तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, कहता है लेकिन तू भी बढ़ो। आज जैसे जैसे आंधी बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से तुम भी आगे बढ़ो, कदम से कदम मिलाकर अपने लक्ष्य को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। यदि कहीं स्वर्ग है, यदि कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार कर लाएंगे इस जमीन पर, यदि हम लोग जिंदा हैं, यानी तू कहे तो हम सभी की बात कर रहा है ठीक ना, यदि हम लोग जिंदा हैं तो हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखें। देखो बच्चों, ये जो कविता है ये मूलतः अगर बात करें तो आजादी के समय के पहले की कविता है ठीक है ना। आजादी के समय के पहले एक कविता हम लोगों के यानी हम भारतीयों के मन में एक अच्छे विकल्प और एक अच्छे चेतना को लेकर के ये लिखा गया है, जैसा कि इसमें आपको पढ़ने से पता चल रहा है ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिए तो और भी बेस्ट होगा। इस वीडियो को पॉज कर करके देखिए या नहीं तो एक दो बार जरूर देखिए तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है जमी के पेट में, जमी कहे तो जमीन की बात कर रहा है, तो कहता है कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। इसका मतलब समझिए तो कहता है कि जमीन के गर्भ में या पेट में ठीक है ना, आग आग अगन का मतलब आग ठीक है ना, अगन के मतलब आग, आग और भूकंप दोनों पलते हैं। जमीन के पेट में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, यानी दोनों है, टिके न टिक सके भूख रोग के स्वराज ए, कहता है लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं, उसी प्रकार भूख यानी बेकारी या बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य यानी स्वराज भी नहीं टिक सकेंगे, यानी जो भूख है जो रोग है उसका अपना नहीं चल पाएगा यदि हम लोग मुसीबतों को कुचल दे। देखो लिखा इसमें मुसीबतों को मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। इसका मतलब समझते हैं, पूरा का मतलब समझिए, तो कहता है कि जमीन के पेट में आग और भूकंप दोनों पलते हैं लेकिन धरती कभी नहीं घबराती, उसी प्रकार से धरती कभी घबराती है नहीं ना, धरती के पेट में आग भी है और भूकंप भी है, जलजले का मतलब भूकंप होता है ठीक है ना, लेकिन वो कभी घबराती है नहीं ना, लेकिन अगर हम लोगों के पास भूख है, हम लोगों के पास रोग है तो ये कभी एक समान नहीं रहेंगे, कभी न कभी भूख और रोग को तो हम लोग मिटा ही देंगे, कभी नहीं टिकेगा ये, मुसीबतों को हम लोग सर कुचल देंगे, यानी जो दुख भरे समय है उसको हम लोग पार कर लेंगे और हम सब एकता के सूत्र में बंध कर यानी हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, और अगर कहीं स्वर्ग है तो हम सभी मिलकर उस स्वर्ग को जमीन पर उतार लाएंगे, यदि हम लोग जिंदा हैं तो हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखें। आगे बढ़िए तो कहता है इसमें बुरी है आग पेट की, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिन बुरे है दिल के दाग ए। इसका मतलब समझिए तो ये कहता है कि भूख और अपराध ठीक है ना, भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, यानी दिल के दाग कहने का मतलब क्या है, किसी के ऊपर अश्रंग या किसी के ऊपर अपराध लग जाना ठीक है ना। तो कहता है कि भूख और अपराध दोनों बहुत बुरे हैं, आगे कहता है न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे, कहता है कि यदि दोनों समाप्त नहीं हुए, यदि दोनों अगर खत्म नहीं हुए तो एक दिन विरोध की आवाज बनकर सबों के सामने आएंगी, एक दिन इनकलाब का ये नारा लगाएंगी। आगे बढ़ो तो कहता है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। कहता है कि यदि हम लोगों के पास जैसे ही इनकलाब या हम लोगों के अंदर जो विरोध की भावना बनेंगे
उससे जो जुल्म है, उससे जो सितम हम लोगों पे उठाए जा रहे हैं या हम लोगों पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, उसका महल गिर जाएगा और फिर से एक नवीन का मतलब नया होता है, फिर से एक नया घर बनेगा और वही नया घर में हम लोग स्वर्ग को उतार लाएंगे। यदि कहीं स्वर्ग है तो वहां से उतार लाएंगे अपने घर पर, अपने जमीन पर। यदि जिंदा है तो हम लोगों को सफलता मिलेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखें, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस चैप्टर में हमने पूर्णता समझ लिया, पूर्णता चैप्टर को कवर कर लिया। कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।